है जी, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को अपनी एक फ़ोटो एडिट करके दिखाऊंगा जिसमें मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो मैं उसमें दूसरा कूल सा बैकग्राउंड लगाऊंगा। तो दोस्तों, आप सभी लोग अपने फ़ोटो में भी कभी फ़ोटो खींचते होंगे तो बैकग्राउंड अच्छा नहीं आता होगा या फिर बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहता होगा, तो उसे आप चेंज कर सकते हैं। बहुत अच्छा सा कूल सा बैकग्राउंड उसमें लगा सकते हैं अपने फ़ोटो को इरेज करके। तो दोस्तों, मेरा नाम है गोलू कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज़िंदगी। तो दोस्तों, आइए अपने फ़ोन पे ले चलते हैं और आप सभी लोगों को बताते हैं कि आप अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसे इरेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज करना है तो उसके लिए आप सभी लोगों को दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम है फ़ोटो लेयर एंड दूसरे का नाम है बैकग्राउंड इरेजर। तो दोस्तों, आप सभी लोग सिंपली जाएंगे प्ले स्टोर पे एंड वहां से ये दोनों एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। एक का साइज़ है 4 MB एंड दूसरे का साइज़ है 2 MB। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बैकग्राउंड इरेजर को खोलता हूँ एंड यहाँ से वो फ़ोटो मैं लेता हूँ जिसका बैकग्राउंड मुझे इरेज करना है। तो सिंपली मैं अपने गैलरी में जाता हूँ एंड ये फ़ोटो ले रहा हूँ जिसका बैकग्राउंड मुझे इरेज करना है। सिंपली दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं नीचे बहुत सारा ऑप्शन है। तो दोस्तों, मैं ऑटो पे क्लिक करता हूँ ताकि बहुत जल्दी ही मेरा बैकग्राउंड इरेज हो जाए। तो दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं मेरा बैकग्राउंड एक ही सेकेंड्स में इरेज हो गया सारा। अगर आपका इरेज नहीं होता है तो आप मैजिक भी यूज कर सकते हैं जूम करके अच्छे से, एंड मैनुअल भी यूज कर सकते हैं अच्छे से अगर कहीं पर नहीं हुआ है तो। एंड यहाँ पे रिपेयर दिया गया है, जैसे कि मान लो मेरा कहीं कट जाता है ऐसे, तो आप सिंपली आपको रिपेयर में जाना है एंड आपको अपनी फ़ोटो रिपेयर कर लेनी है, जैसा कि मैं भी कर रहा हूँ। दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं मेरा बैकग्राउंड बहुत जल्दी ही इरेज हो गया है। आप सभी लोग ऐसे ही इरेज कर सकते हैं। मैं ये फ़ोटो सेव कर ले रहा हूँ एंड फ़ोटो लेयर को खोलता हूँ और इसका बैकग्राउंड चेंज करता हूँ। दोस्तों, ये फ़ोटो मैंने अभी इरेज करके निकाला था तो इसे मैं डन कर दे रहा हूँ एंड यहाँ पे बैकग्राउंड में जाना है मुझे एंड मुझे ये वाला बैकग्राउंड लगाना है। सिंपली यहाँ से डन कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं वो फ़ोटो गायब हो गई है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप फिर से यहाँ पर ऐड फ़ोटो पर क्लिक करेंगे एंड वहाँ से वही फ़ोटो लेंगे जो आपने इरेज करा था एंड फिर डन कर देंगे। तो देखो दोस्तों, मेरी फ़ोटो आ गई है। तो दोस्तों, कितना अच्छा बैकग्राउंड मेरा है, बहुत अच्छे से मैंने फ़ोटो भी काट ली थी। आप सभी लोग ऐसे फ़ोटो काट के एडिट करके आप सेव कर लेंगे। तो दोस्तों, आइए दिखा देते हैं फ़ोटो जो मैंने अभी बैकग्राउंड इरेज करके बनाया है। तो ये है फ़ोटो दोस्तों, आई होप आपको सब समझ आया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।